हम लोग आज बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, और हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस लेक्चर। यहाँ पे हम लोग हिस्ट्री ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में कार्ल एरिकी के बारे में, पॉल बर्ग, हर्बर्ट बॉयल एंड स्टैनली कोहेन, डैनियल नेथन्स, किरण मजुमदार शॉ और डॉक्टर पुष्प भार्गव के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे जो मैंने ईयर्स लिखे हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है, 1919-1971 इन पॉल बर्ग। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये आप याद रखिए, सो इट्स गुड, ताकि आपकी नॉलेज भी बढ़े। कार्ल एरिकी, कई बार बच्चे पूछते हैं कि फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कौन है, कार्ल एरिकी हैं या पॉल बर्ग हैं, क्योंकि दे गेट कन्फ्यूज व्हेन दे सी रिटन द डिफरेंट आंसर समवेयर। सो जब कभी डिफरेंट आंसर्स लिखे होते हैं तो वो कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कार्ल एरिकी जो है, ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, सिर्फ इस वजह से क्यों, क्योंकि उन्होंने जो है टर्म बायोटेक्नोलॉजी जो है वो दिया था। सो इस वजह से मैं यहाँ पे विद इन द इन्वर्टेड कॉमर्स लिख दे रहा हूँ। विद इन द इन्वर्टेड कॉमर्स का मतलब क्या है, ये जो टर्म है राइट, ये टर्म इन्होंने बायोटेक्नोलॉजी कार्ल एरिकी की देन है, और ये इन्होंने 1919 में दिया था। 1990 ये वो समय था जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड हुई थी बाय साइनिंग द ट्रीटी ऑफ वर्साय। ओके, इस दौरान जो है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड हुई थी बाय साइनिंग द ट्रीटी ऑफ वर्साय। पॉल बर्ग जो है, ही इज नॉट नोन एज द फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, क्यों नहीं इनको कहते हैं, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी जो टर्म है वो कार्ल एरिकी ने दिया। पहली चीज, पॉल बर्ग ने क्या किया, पॉल बर्ग ने सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, ठीक है। देखिए, मैं आपको बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बेसिक्स कैसे होता है इंट्रोडक्शन में आपने सब कुछ जाना है, ठीक है। हर्बर्ट बॉयल और स्टैनली कोहेन कहेंगे आपकी, भाई रिकॉम्बिनेंट डीएनए हर्बर्ट बॉयल और स्टैनली कोहेन ने बनाया, जी हाँ बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन पहला जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो बनाया गया वो पॉल बर्ग के द्वारा गया, लेकिन जो टेक्नोलॉजी जो बनाई गई वो हर्बर्ट बॉयल और स्टैनली कोहेन के द्वारा बनाई गई। सो रिमेंबर कि मैं जो यहाँ पे वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, केवल रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बारे में बात कर रहा हूँ। सो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो सबसे पहले बनाया गया, और यहाँ पे इन्होंने जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बनाई। हम लोग देखेंगे क्या होता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना एक चीज़ है, लेकिन उस डीएनए को एक किसी सेल के अंदर प्लेस करना, जैसे ये कोई बैक्टीरियल सेल है, इस सेल के अंदर इस डीएनए को, आरडीएनए को प्लेस करना, ये किसका काम था, ये हर्बर्ट बॉयल और स्टैनली कोहेन का काम था। और इन्होंने ये 1972 में किया, एक साल बाद जब पॉल बर्ग ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया। 1971 जो है ये वो समय था जब आपका डिज्नी वर्ल्ड ओपन हुआ था, याद रखिएगा। सो डिज्नी वर्ल्ड ओपन हुआ था 1971 में, और इसी टाइम पे पॉल बर्ग ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था। दूसरा वर्ल्ड, सॉरी, आपका जो भारत और पाकिस्तान की लड़ाई 1971 में हुई, जिसमें कि बांग्लादेश को जो है आज़ाद किया गया, दैट वाज आल्सो डन इन 1971, ठीक है। सो द लिबरलाइजेशन ऑफ बांग्लादेश टुक प्लेस, ओके, सो बांग्लादेश गॉट लिबरेटेड। यहाँ पे लिख देता हूँ, फाइट फॉर लिबरलाइजेशन ऑफ बांग्लादेश, ओके, ये हुआ था 1971 में। नेक्स्ट हमारे पास डैनियल नेथन्स 1978, ये इनको हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न बायो टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ये दोनों इंडियंस हैं, याद रखिएगा। इनको हम लोग किरण मजुमदार शॉ, शी इज नोन एज द मदर और फादर ऑफ द इंडियन बायोटेक्नोलॉजी। इंडियन बायोटेक्नोलॉजी की जो मदर और फादर है वो किरण मजुमदार शॉ हैं, और हमारे डॉक्टर पुष्प
भार्गव जो हैं वो फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन बायोटेक्नोलॉजी हैं, ये चीज़ याद रखेंगे। अच्छा, जो ये 1978 है ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी इसी टाइम बना था। और इस बेबी का नाम था रॉबर्ट लुइस ब्राउन, और ये बेबी आईवीएफ के द्वारा बनाया गया था। आईवीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आप इस चीज को याद रखेंगे। सो हम हिस्ट्री ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में इन सबके बारे में बात करेंगे, और ये ईयर्स इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखिए, राइट। लेकिन इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट पॉल बर्ग है, कार्ल एरिकी, हर्बर्ट बॉयल एंड स्टैनली कोएन, दीज थ्री आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, जिसमें से कि पॉल बर्ग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाकी सब आपके जनरल नॉलेज के लिए इम्पॉर्टेंट हैं ये तीनों, सो आप इनको भी याद रखेंगे। ये हमारे पॉल बर्ग हैं, और इनको आपके इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे आप देखिए, ये वेक्टर डीएनए, वेक्टर के बारे में मैंने बात करा था, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो जेनेटिक मटेरियल है। बैक्टीरिया में दो तरीके के जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं, एक है जो नॉर्मल पाया जाता है और एक सर्कुलर इन फॉर्म होता है। वेक्टर डीएनए S40 का इन्होंने इस्तेमाल किया, इसको काटा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको काटा, गैप बना, और इस गैप में इन्होंने एक क्रोमोसोमल डीएनए फ्रेगमेंट को, जिसको क्लोन करना है, उसको इन्होंने पुट कर दिया। और इस तरीके से रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल जो है इन्होंने सबसे पहले बनाया। आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनाना एक चीज़ है, और उस मॉलिक्यूल की टेक्नोलॉजी जिसके द्वारा हम कई ढेर सारे क्लोन्स बना सकें, बायोटेक्नोलॉजी में जो डील किया जाता है वो क्लोनिंग के बारे में डील किया जाता है, यानी कि एक से ज़्यादा कॉपीज बनाने के बारे में हम लोग डील करते हैं। तो उसको करने के लिए हमको एक मशीन चाहिए, और वो मशीन जो है हमारे बैक्टीरिया है। सो एक बार रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिया तो उसको हम कैसे उस बैक्टीरियल सेल के अंदर डालें ताकि वो कॉपी बना सके, क्लोन्स बना सके, दैट वाज अ डिफ़िकल्ट टास्क जो कि पॉल बर्ग ने नहीं किया। और पॉल बर्ग एक्चुअली इसके अगेंस्ट थे, उस समय कई कंट्रोवर्सीज भी हुई, तो इस वजह से उन्होंने इस चीज़ को फोकस नहीं किया। लेकिन एक साल बाद जो है वो दो साइंटिस्ट ने इस पर काम किया और एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का इजाद किया। इनका नाम जो है जीन स्प्लाइसिंग एक्सपेरिमेंट में आएगा, याद रखिएगा, और इनको हम फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग के नाम से जानते हैं। सो इस चीज़ को आप याद रखेंगे कि ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीन स्प्लाइसिंग एक्सपेरिमेंट
स्प्लाइसिंग का मतलब क्या होता है, तोड़ना, स्प्लाइस करना। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला डीएनए, ये वाला डीएनए को स्प्लाइस कर दिया और इसके बीच में दूसरा स्प्लाइस डीएनए, ये एक स्प्लाइस डीएनए है और इस स्प्लाइस डीएनए को इस स्प्लाइस डीएनए के साथ जोड़ दिया। डिज्नी वर्ल्ड 1971 में पहली बार ओपन हुआ था, याद रखिएगा अगर इंटरेस्ट है अपनी नॉलेज को बढ़ाने में। इसमें जो दो इन्होंने डीएनए लिए, वो एक SV40 लिया सीमियन वायरस और दूसरा लामडा फेज वायरस लिया। ये SV40 जो है वो मंकी में पाया जाता है और इन दो वायरसेस को कंबाइन किया था। सो ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, जो ब्लू से लिखा हुआ है SV40 सीमियन वायरस एंड लामडा फेज, ये जो लामडा फेज वायरस है ये एक इम्पॉर्टेंट है। बल्कि मैं यहाँ पे हाइलाइटर का इस्तेमाल कर लेता हूँ। सो लामडा फेज वायरस एंड SV40 इज सीमियन वायरस, दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, सो आप इसको याद रखिएगा। आप इस डायग्राम में जो कि हर्बर्ट बॉयल एंड स्टैनली कोहेन है, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक बैक्टीरिया है और ये एक आरडीएनए है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं बनी, राइट? सो इसको इंट्रोड्यूस कराने के लिए इनटू अ बैक्टीरियल सेल ताकि ये कॉपीज बना सकें, राइट? ये जो है ये देन है इन दो साइंटिस्ट की। सो आरडीएनए टेक्नोलॉजी या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है, इट्स बिकॉज ऑफ हर्बर्ट बॉयर एंड स्टैनली कोहेन। डिजिटल क्लॉक्स 1972 में आई थी। यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी जो है, आर जो है वो, आर का मतलब क्या है, रिकॉम्बिनेंट। सो इन लोग ने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन और जो कि सालमोनेला टाइप फीमूरियम में डेवलप करी और उसको ई कोलाई प्लास्मिड में इंट्रोड्यूस इन्होंने करवाया। डैनियल नेथन्स जो हैं वो फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन बायोटेक्नोलॉजी हैं, आप इस चीज को याद रखेंगे। इसी दौरान 1978 में इस बच्चे का, लुइस का बर्थ हुई थ्रू द IVF टेक्नोलॉजी के द्वारा। इसका पूरा नाम मैंने आपको पहले बता चुके हैं, रॉबर्ट लुइस ब्राउन। ये किरण मजुमदार शो हैं जो कि एक बायोकॉन कंपनी की CEO हैं और IIM बेंगलोर में भी ये चेयरपर्सन है। इनको हम लोग फादर और मदर ऑफ इंडियन बायोटेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। मॉडर्न इंडियन बायोटेक्नोलॉजी के जो फादर हैं वो डॉक्टर पुष्प भार्गव हैं, जिन्होंने हैदराबाद में CCMB सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है उसको इस्टेब्लिश किया था। और मज़े की बात है, ये जो इनको भारत से जो अवार्ड मिला था वो इन्होंने वापस करा इन समवेयर 2014-15 में, इन्होंने ही रिटर्न दैट अवार्ड टू द इंडियन गवर्नमेंट। I hope you must have liked this video. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो don't forget to like, share and subscribe. और इसी के साथ साथ comment करना ना भूलें।
So thank you very much for watching this video. Have a great day.